सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है, फ़ोन नहीं कहूँगा, ये टेबलेट है और ये है पैनासोनिक का टेबलेट। अगर मैं पीछे से दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए पैनासोनिक टैब 8 इसका मॉडल है और इसके अंदर अभी FRP लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पैनासोनिक टैब 8 इसका मॉडल है और यहाँ पे नीचे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो कुछ इस प्रकार का इसका मॉडल है। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो ये जो फ़ोन है ये पैनासोनिक का है टैब 8 मॉडल और इसके अंदर अभी यहाँ कोने पर आप देखेंगे तो FRP लॉक इसके अंदर लगा हुआ है। तो FRP लॉक को हमें अनलॉक करना है, तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये इसमें चिपसेट कौन सा लगा है। दरअसल इसमें पासवर्ड लॉक भी लगा था लेकिन कस्टमर ने वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के और इसको रीसेट हार्ड रिसेट कर दिया है, वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट करके इसका पासवर्ड अनलॉक कर दिया है। बट पासवर्ड अनलॉक करने के बाद भी इसमें FRP लॉक लगा हुआ है जो वो नहीं तोड़ पाए, तो हमारे पास लेके आए हैं। तो हम इसका अनलॉक करेंगे UMT की मदद से। तो सबसे पहले पैनासोनिक टैब 8 है तो इसके अंदर जो चिपसेट लगा है वो लगा है MediaTek का। तो MediaTek चिपसेट है तो हमको MediaTek के लिए अपना MTK का टूल हमने पहले से ही ओपन कर रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें FRP सिर्फ हटाना है। तो हम रीसेट नहीं करेंगे, सिर्फ FRP पे क्लिक करेंगे और अपने इस टैब को, आपको पहले टैब में भी एक बार दिखाया था कि आगे पासवर्ड लॉक मांग रहा है। यहाँ से आपको जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तो इससे आप समझ जा रहे हो कि इसमें FRP लॉक है। और यही अगर हमारा FRP लॉक नहीं होता तो यहाँ स्किप का ऑप्शन आता नीचे में, कहीं भी नीचे में आपको कोई स्किप का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो चलिए फटाफट से इसको हम पावर ऑफ करते हैं। यहाँ पे हमने इसको कर लिया है पावर ऑफ और इसमें लगेगा Type-C डाटा केबल, तो हम अपना Type-C वाला डाटा केबल निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों बटन को एक साथ दबा के और केबल लगाना है। तो चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। तो अब हम इसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखते हैं क्या हमारा ये टैब अनलॉक होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सिर्फ FRP पे ही क्लिक करना है, क्योंकि चूँकि ये MediaTek का है तो यहाँ पे सिर्फ FRP लॉक लगा हुआ है, तो हम सिर्फ FRP पे ही क्लिक करेंगे, बाकी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो FRP पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। अभी जैसे ही ऑप्शन आया यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबाना है आपको एक साथ और केबल लगा देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पोर्ट बन चुका है और हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, सॉरी हमारा टैब कनेक्ट हो चुका है। अभी देखते हैं कि हमारा ये देखिए सक्सेसफुली FRP रीसेट दिखा दिया है, यानी कि हमारे फ़ोन का FRP रीसेट जो है वो डन हो चुका है। अब हम इसको केबल निकाल लेते हैं अपना और केबल निकालने के बाद से आपको अपने इस टैब को नॉर्मली चालू कर लेना है। अब देख सकते हैं हमारा ये टैब चालू हो चुका है। थोड़ी देर हम वेट करेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा टैब का FRP जो है वो बाईपास हुआ है कि नहीं हुआ है। FRP बाईपास किए हैं, इसके वजह से हमारा जो समय है वो बहुत कम लगा है। और यहाँ पे देखिए ऊपर आपको FRP का जो सिंबल था वो गायब हो चुका है और यहाँ पे स्किप का ऑप्शन दिया गया है। वैसे सिंपल सा था, MediaTek में यही एक खास बात है, इसका FRP बाईपास करना, पासवर्ड अनलॉक करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। हालांकि फ़ोन की सिक्योरिटी पैच कई बार चेंज हो जाने की वजह से हमें ये दिक्कत आ जाती है, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन अभी के डेट में आप देखोगे तो बहुत ही आसानी से हमने इसको अनलॉक कर लिया है। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है वो अनलॉक हो चुका है और इसमें FRP वगैरह पासवर्ड वगैरह सब कुछ हट चुका है। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।